Hello everyone, welcome to Insta Classes. In today's session, we are going to discuss one important problem on fluid mechanics. So let's start with this question. A trapezoidal channel 2 meter wide at the bottom and 1 meter deep has the side slope इतना, total pressure निकालना है और center of pressure निकालना है, ठीक है? आप देखो जरा कि अगर कोई object जो पानी के अंदर रहेगा, वो planar और curved दो condition के objects आपको मिलते हैं, ठीक है? अगर planar object है, तो वो या vertical रह सकता है, या inclined condition में रह सकता है, या फिर horizontal रह सकता है। सभी cases में जो force आप calculate करते हैं, वो rho g a h bar हमने classes में derive किया था, इतना force calculate निकल करके आया था, ठीक है? तो आपके पास में जो यहाँ पर object given है, that is basically what, that is the trapezoidal. तो trapezoidal object करने के लिए आप इसको rectangle plus triangle का combination मान सकते हैं, ठीक है? तो आप इसको बोल सकते हैं कि जो trapezoidal object है, वो rectangle plus triangle से मिलकर के बना हुआ है। साफ-साफ देखिए जरा इसको, जो यहाँ से flow होगा या जो flow के कारण जो forces लगेंगे, वो इस rectangular object, rectangular gate के force के बराबर plus triangle दोनों से मिलकर के जो एक complete triangle बना, उस triangle पर लगने वाले force दिया जाएगा, ठीक है? बॉटम पर जो विड्थ दे रखी थी वो 2 मीटर है, इसकी जो हाइट गिवन है ये 1 मीटर है, जो साइड स्लोप यहां पर मेंशन है, दिस इज 1 मीटर बाय 1 मीटर हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, ठीक है? तो 1 मीटर अगर वर्टिकल जाएगा तो हॉरिजॉन्टल में कितना चला गया, ये 1 मीटर यहां पर आएगा, ये 1 मीटर यहां पर आएगा और 2 मीटर के बराबर है। तो यहां पर ट्रायंगल पर जो विड्थ आ रही है टोटल, वो 2 मीटर के बराबर है और यहां पर जो विड्थ आ रही है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 2 मीटर बाय 1 मीटर का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है? और जो हाइट है वो कितनी है, द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, दिस इज अगेन, दिस इज व्हाट, 1 मीटर के बराबर, ठीक है? तो बेसिकली जो ट्रेपेजॉइड पर जो फोर्स लगेगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे इन पर अलग-अलग फोर्स निकाल करके, ठीक है? तो यहां पर अगर इसका h बार देखें, जो सेंट्रोइड है ऑब्जेक्ट का, वो कहां पर होगा, रेक्टेंगल के केस में हाफ डिस्टेंस पर होता है, यानी कि 0.5 मीटर पर है, और ट्रायंगल के केस में ये यहां से 1/3 हो जाएगा बेस से, ठीक है? तो कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले रेक्टेंगल पर लगने वाले फोर्स को अगर F1 कह दें तो F1 हो जाएगा रो जी ए एच बार, फार्मूला लगा दें तो रो कितना है, वाटर गिवन है, ठीक है? तो 10^3 यहां पर है, मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 2/1 मल्टीप्लाइड बाय एच बार गिवन इज 0.5। तो यहां से आपको रिजल्ट मिल रहा है 10^3, ये न्यूटन में मिलेगा, तो किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर करके वैल्यू मिल रहा है 9.81 किलो न्यूटन। इसकी लोकेशन अगर आपको निकालनी है तो वो लोकेशन हम निकालेंगे अभी, ठीक है? पहले फोर्सेस कैलकुलेट कर लेते हैं, F2 निकालते हैं, ट्रायंगल पर जो लगने वाला फोर्स है वो कितना होगा, ट्रायंगुलर एरिया पर जो लगेगा फोर्स, वो रो जी एच बार से दिया जाएगा, 10^3 मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ट्रायंगल का जो एरिया है हाफ ऑफ 2 × 1, ये ट्रायंगल का एरिया हो गया, मल्टीप्लाइड बाय इसका एच बार जो है वो 1/3 के बराबर है। तो यहां से रिजल्ट आ रहा है 3.27 किलो न्यूटन, ठीक है? तो 3.27 किलो न्यूटन आ गया। तो बेसिकली जो टोटल फोर्स है जो लगेगा, जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि व्हाट इज द टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर F1 प्लस F2 से दिया जाएगा, दैट इज 13.08 किलो न्यूटन, ठीक है? तो पहले पार्ट का जो आंसर है वो है 13.08 किलो न्यूटन। दूसरी चीज आपसे पूछी गई थी सेंटर ऑफ प्रेशर निकालो, तो सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकालते हैं देखते जरा। हम ये फार्मूला क्लास में डिराइव कर चुके हैं कि अगर सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है किसी वर्टिकल ऑब्जेक्ट के लिए, तो h स्टार दिया जाता है h बार प्लस ig अपॉन ah बार से दिया जाता है, ठीक है? ig का मतलब क्या होता है, ig का मतलब है सेंट्रोइड से पास होती हुई एक्सिस का, एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, जो कि जो फ्लूइड सरफेस है उसके पैरेलल है, ठीक है? तो h बार हम कैलकुलेट करेंगे, यहां पर देखते हैं जरा, h स्टार का जो मैग्नीट्यूड है, पहला मैग्नीट्यूड दैट शुड बी टेकन फॉर रेक्टेंगल सरफेस, तो H1 स्टार जो है मैग्नीट्यूड में वो कितना हो जाएगा, लेट्स सी हियर, दिस इज इक्वल टू H बार, रेक्टेंगल का H बार 1/2 पर था, ठीक है? रेक्टेंगल का H बार 1/2 पर है, एंड दिस इज प्लस IG, रेक्टेंगल का जो IG होगा वो सरफेस के पैरेलल एक्सिस पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? लेट्स कैलकुलेट एट दिस लेवल, तो IG सेंट्रोइड से पास होती हुई एक्सिस और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो b × d³, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 से दिया जाएगा, एंड एरिया रेक्टेंगल का है 2/1 मल्टीप्लाइड बाय h बार है हाफ के बराबर, तो यहां से आपको h1 स्टार मिल जाएगा, ठीक है? यानी कि जो ये सेंटर ऑफ प्रेशर लगेगा वो कहां पर होगा,
वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज इक्वल टू 0.667 मीटर। ठीक है, इस वैल्यू को डायरेक्टली भी देखा जा सकता था, क्योंकि जो रेक्टेंगल एरिया है उसमें यहाँ पर अगर फ्लूड सरफेस है तो यहाँ पर जो प्रेशर डायग्राम बनेगा वाटर के कारण वो ट्रायंगुलर बनेगा, उसका सीजी आएगा दैट इज 2/3 फ्रॉम द टॉप। तो 2/3 फ्रॉम द टॉप करेंगे तो 2/3 बाय मल्टीप्लाइड बाय 0.667 मीटर मिल रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली बच्चे कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जब वो सरफेस टॉप के साथ में कॉन्साइड होगा तभी ये चीज आप कर पाएंगे। दूसरी चीज देखें, एस टू स्टार का जो मैग्नीट्यूड है वो फिर से ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर वाले पोर्शन से निकालेंगे। एच बार का जो मैग्नीट्यूड है वो 1/3 था, प्लस आई जी ट्राइंगल के लिए जो आई जी है वो बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 36 से दिया जाएगा। ठीक है, तो बी इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 36, एरिया ट्राइंगल का हाफ ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 है मल्टीप्लाइड बाई एच बार ट्राइंगल का 1/3 है। तो यहाँ से आपको एच टू स्टार मिल जाएगा, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.5 मीटर। ठीक है, तो ये 0.5 मीटर आ रहा है। यहाँ से हम रिजल्टेंट सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए, ठीक है, रिजल्टेंट सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए एच स्टार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, एच आई स्टार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो एच स्टार का जो मैग्नीट्यूड है वो आप निकाल सकते हैं। पहला जो फोर्स था वो 9.81 था, ठीक है, तो 9.81 मल्टीप्लाइड बाय इसकी लोकेशन दैट इज 0.667, प्लस दूसरा जो फोर्स था वो 3.27 था, तो 3.27 मल्टीप्लाइड बाय इसकी लोकेशन 0.5 डिवाइड बाय समेशन एफ आई, समेशन एफ आई था 13.08। ठीक है, तो यहां से आपको एच स्टार मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू व्हाट 0.625। तो बेसिकली जो टोटल फोर्स है वो 13.08 का लगेगा, ठीक है, 13.08 का लगेगा, और यहां पर उसकी जो डिस्टेंस होगी सरफेस से वो कितनी होगी वो भी आपने क्वेश्चन में निकाल दी है। यहां पर कहीं पर फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और यहां से टॉप से जो उसकी डिस्टेंस है वो 0.625 मीटर आपने कैलकुलेट कर लिया। 13.08 मैग्नीट्यूड का फोर्स इस लोकेशन पर लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।